क्या है आज का ताजा मुद्दा। सिद्धू के लिए प्रचार करने उतरी बेटी राबिया, जानिए क्यों कही शादी न करने की बात। पंजाब के अमृतसर के पूर्वी विधानसभा से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे नवजोत सिंह सिद्धू की बेटी राबिया सिद्धू भी चुनाव मैदान में उतर चुकी। उन्होंने आक्रामक और भावुक होकर पिता के लिए प्रचार किया और चिन्नी पर निशाना साधा। राबिया ने कहा कि चिन्नी उनके पिता के पास खड़े होने के लायक भी नहीं। चिन्नी को सीएम बनाए जाने पर राबिया ने कहा कि हाई कमान तो हाई कमान, उन्होंने जो किया उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी या, लेकिन ठीक है, लेकिन कोई ईमानदार बंदे को काफी देर तक रोक नहीं सकता और जो बेईमान होता है उसे रोकना ही होता है। वहीं राबिया ने राहुल गांधी के चिन्नी को गरीब वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उनका बैंक अकाउंट खोलकर देखो, 133 करोड़ मिल जाएंगे। मैं कुछ बोलने वाली नहीं होती हूँ, लेकिन गरीब कोई करोड़पति नहीं होता। वहीं मीडिया के सामने राबिया ने प्रण लेते हुए कहा कि जब तक पिता जीत नहीं जाते मैं शादी नहीं करूँगी। आपको बता दें कि अब पंजाब में 14 फरवरी की जगह 20 फरवरी 2022 को मतदान होगा। संत रविदास जयंती की वजह से लगभग सभी राजनीतिक दलों ने इसकी मांग की थी। गुजारिश की गई थी कि मतदान की तारीख को एक हफ्ते आगे कर दिया जाए। धन्यवाद।